हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट किंगडम फंजाई। हम लोग एक जनरल फीचर्स पढ़े थे रिलेटेड टू द फंजाई किंगडम, और उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके का डाइवर्स मॉर्फोलॉजी होता है, किस तरीके का डाइवर्स हैबिटेट होता है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली बिलोंगिंग टू द किंगडम फंजाई। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डीलिंग अबाउट द सेक्शुअल लाइफ साइकिल। हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में आप जानेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि तीन तरीके का रिप्रोडक्शन इसमें होता है, दैट कैन बी आइदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो तीन तरीके का रिप्रोडक्शन है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन उसी तरीके के स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इफ़ इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। सो हम इस लेक्चर में सबसे पहले हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई का के बारे में डील करते हैं। सो बेसिकली विल बी डीलिंग विद द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। सो जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है फंजाई की, इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, या तीन डिफरेंट फेजेस होते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के। एंड जिसमें सबसे पहला जो होता है वो प्लाज्मोगेमी होता है, दूसरा कैरियोगेमी होता है, एंड द थर्ड इज़ मियोसिस। नाउ व्हाट डज दिस थ्री वर्ड्स स्पेसिफिकली मीन्स? प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है देयर इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स और टू हैप्लॉइड सेल्स के बीच का जो फ्यूजन होता है, जो कि सेक्सुअली कंपैटिबल सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मा का मतलब होता है, प्लाज्मोगेमी का मतलब गैमो मीन्स फ्यूजन हो जाएगा, एंड प्लाज्मो मीन्स हो जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो दिस इज वॉट मीन्स अबाउट प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी की जब हम बात करते हैं, तो कैरियोगेमी इज बेसिकली अ टर्म दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें देर इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज करता है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस तो उसके वजह से हमें एक डिप्लॉयड प्रोडक्ट मिलता है विच इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट मिलता है हमें। ऑलराइट, नाउ जो तीसरा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस एक तरीके का रिडक्शन डिवीजन होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिडक्शन डिवीजन। जब हमारा डिप्लॉयड जाइगोट बन गया है तो उस जाइगोट में फिर क्या होगा? मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। सो ये तीन अलग अलग स्टेजेस होते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के। सो द फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, विच मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो इट्स बेसिकली द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। द सेकेंड वन इज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज बेसिकली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। सो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म देर इज फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू सेल्स। एंड द थर्ड इज मियोसिस। नाउ दिस मियोसिस also called reduction division occurs in zygote which forms haploid spores। सो आई एम गोना ड्रॉ हियर फिगर, एक फिगर मैं बनाऊंगी तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल,
सो दीज आर टू हैप्लॉइड सेल्स, अगर हम ये माने. सो दीज टू हैप्लॉइड सेल्स, इसका अगर हम प्लाज्मोगैमी कराते हैं, सो इट्स बेसिकली दो हैप्लॉइड सेल्स का प्लाज्मोगैमी कराएं तो इट विल रिजल्ट इनटू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल्स. तो ये प्रोटोप्लाज्म है, दिस इज एक्चुअली द प्रोटोप्लाज्म, और इसका हुआ फ्यूजन एंड दैट रिजल्ट्स इनटू एन प्लस एन कंडीशन विच इज डाइकैरियन कंडीशन ये बनाता है. एंड इसके बाद हम कैरियोगैमी कराते हैं. तो ये दोनों अल्टीमेटली फ्यूज करते हैं एंड दिस विल रिजल्ट इनटू 2N विच इज जाइगोट फॉर्मेशन. ऑलराइट, सो दिस इज प्लाज्मोगैमी, दिस इज कैरियोगैमी, और इसी जाइगोट का जब हम मियोसिस कराते हैं विच मीन्स रिडक्शन डिवीजन कराते हैं, सो दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, वो हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा. नाउ ये तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के बारे में हो गया. कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं, कुछ क्लासेस ऑफ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें कि जो ये आपका प्लाज्मोगैमी होता है या जो फ्यूजन होता है दो सेल्स के बीच में, तो प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है एंड दैट इंटरमीडिएट स्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियोटिक स्टेज, उसको हम बोलते हैं. कहने का मतलब ये कि कुछ कुछ फंजाई में ऐसे होता है कि प्लाज्मोगैमी जो होता है, कुछ में प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड कैरियोगैमी का तुरंत मियोसिस होगा. तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एक्चुअली दिस एंटायर प्रोसेस ये पूरा का पूरा एक रेपिटेटिव है एंड ये लगातार होता चला जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन. बट कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेम्बर्स, उस केस में एक इंटरवेनिंग स्टेज का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड एज डाइकैरियन स्टेज और डाइकैरियोटिक स्टेज उसमें बनता है. दैट मीन्स एन प्लस एन का फॉर्मेशन बनता है और उसी एन प्लस एन के फॉर्मेशन की वजह को हम डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन बोलते हैं. ऑलराइट, तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो गया बट कैरियोगैमी तुरंत प्लाज्मोगैमी के बाद नहीं होता है. कैरियोगैमी नीड्स सम टाइम, यू नो, या फिर यूं बोल सकते हैं कि द न्यूक्लियस नीड्स सम टाइम टू गेट मेच्योर एंड देन प्लाज्मोगैमी के बाद फिर एक मेच्योरिटी अटेन करने के बाद द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी टेक्स प्लेस, और उसके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एज एन प्लस एन कंडीशन. दैट मीन्स टू न्यूक्लियस पर सेल कंडीशन, और जैसे कि यहाँ पर मैंने एन प्लस एन का कंडीशन बनाया, दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज, और फिर उसके बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन देयर इज मियोसिस दैट विल रिजल्ट इन टू हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन. सो ये इसके अलावा एक डाइकैरियोफेज भी हम लोग देखते हैं. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें देखें तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं लाइक एस्कोमाइसिटीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भी एंड इनफैक्ट नीट में भी पूछा जाता है और एनी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि कौन से क्लासेस ऑफ फंजाई हैं दैट बेसिकली जिसमें डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज हमें मिलता है विच मीन्स टू एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर सेल. तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में वो होता है द प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रादर एन इंटरवेनिंग स्टेज कॉल्ड डाइकैरियन विच मींस एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर सेल इज फॉर्म्ड एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. तो ये जो कहीं ना कहीं मैंने बनाया है, दिस स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज इसको बनता है. तो इसमें डाइकैरियोफेज बनता है और फिर फाइनली आप जाइगोट जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करके अल्टीमेटली जाइगोट बनाता है एंड जाइगोट में फिर मियोटिक डिवीजन होगा तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगा. एंड फाइनली द न्यूक्लियस फ्यूजेस टू फॉर्म zygote which is diploid which undergoes meiosis to produce haploid spores.
एंड यही हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई या न्यू हाइफी ऑफ फंजाई जो होते हैं बनाते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द सेक्शुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई. अब हम अलग अलग क्लासेज ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे. सो देर आर बेसिकली फोर डिफरेंट क्लासेज ऑफ फंजाई. तो वील बी डीलिंग विद द फर्स्ट क्लास एंड दैट इज फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज, तो जब हम फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज में बेसिकली ऐसे फंजाई आते हैं जो कि इनके जो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं या फिर डीकेइंग वुड्स इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाएंगे. ऑलराइट, और इनका जो नेचर होता है वो ये है कि दे आर बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट्स. सो दे बिहेव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट्स. इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, इनका माइसीलियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है, यानी कि विदाउट एनी क्रॉस वॉल लिंकेज, कोई क्रॉस वॉल लिंकेज नहीं होता है. एंड दैट टू इट इज सीनोसिटिक, हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. तो वो इनमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा जब हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दिस फंजाई इन द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज बेसिकली इन्वॉल्व्स, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है एंड दोज एसेक्सुअल स्पोर प्रोडक्शन आर बेसिकली दी वो कहीं ना कहीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में बनना शुरू होते हैं. एंड एसेक्सुअल स्पोर्स में इसमें दो तरीके के स्पोर्स होते हैं. वन इज़ द जू स्पोर जो कि मोटाइल स्पोर्स हो जाएगा एंड द अदर इज़ द अप्लेनो स्पोर्स विच आर दी नॉन मोटाइल स्पोर्स और स्पोरांजियो स्पोर्स भी हम बोल सकते हैं. वाइल सेक्सुअल स्पोर्स की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल स्पोर्स बेसिकली इन्वॉल्व्स दी जाइगोस्पोर फॉर्मेशन. इसमें जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये सेक्सुअल स्पोर्स तभी बनते हैं, यानी कि जाइगोस्पोर्स तभी बनते हैं जब दो अलग अलग गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के वो फ्यूज़ करेंगे. ऑलराइट, तो इसमें जब हम अलग फीचर्स देखते हैं, अलग इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं दीज फंजाई और द मेंबर्स ऑफ दीज दी डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई दे हैव डाइवर्स नेचर इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्शन. तो एक तो ये हो गया इनका फीचर. दूसरी बात ये हो जाएगी कि इनका जो गैमेट्स ये बनाते हैं विच आर द रिजल्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो उस केस में कहीं ना कहीं ये गैमेट्स दे कैन बी आइदर आइसोगेमस, या आइसोगेमस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं, और दे कैन बी आइदर अनआइसोगेमस, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगे बट फिजोलॉजिकली दे विल बी सिमिलर. तो ये अलग अलग इनके फीचर्स हैं एंड आई विल बी राइटिंग डाउन द फीचर्स ओवर हियर. सो फाइकोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसका फीचर्स बेसिकली इन्वॉल्व करता है. सो इनके मेंबर्स दे आर बेसिकली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं एंड देन डीकेइंग वुड ऑफ मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में ये पाए जाते हैं. ऑलराइट, दे मोस्टली लिव एज सो दे आर बेसिकली फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट कहने का मतलब ये कि इनका नेचर इस तरीके का होता है कि वंस जो जिस भी होस्ट के एसोसिएशन में ये पाए जाएंगे तो ये स्ट्रिक्टली उसी होस्ट के साथ एसोसिएटेड होंगे और किसी और होस्ट के साथ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ कंप्लीटिंग देयर एंटायर लाइफ साइकिल विद अ सिंगल स्पेसिफिक होस्ट ओनली एंड नॉट विद एनी अदर काइंड ऑफ होस्ट. किसी और होस्ट के साथ ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, किसी एक सिंगल होस्ट, सिंगल स्पेसिफिक होस्ट के साथ ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और उसी लाइफ साइकिल पे रह करके, उसी के होस्ट के बॉडी सरफेस पे रह करके दे आर एबल टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. इनका जो माइसीलियम है इट इज़ मोस्टली एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक. तो ये जनरली एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक होता है विच मीन्स ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. So asexual production is by formation of asexual spores. That is, तो या तो zoo spores के through ये बनता है या तो sporangio spores और apleno spores के through बनता है which are non-motile spores. All right.
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो इट इज बाय सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज जाइगोस्पोर्स. इसमें जाइगोस्पोर्स बनता है. दी जाइगोस्पोर्स दे आर बेसिकली फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. तो वो गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. दो गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से ये बनते हैं. गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स कैन बी आइदर आइसोगेमस और अनआइसोगेमस. दैट मींस मॉर्फोलॉजिकली ये डिस्टिंक्ट हो सकता है. ऑलराइट, सो अगर हम एग्जांपल दें इनके मेंबर्स की, सो दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स म्यूकर. ऑलराइट, the second example is that of rhizopus, which is also called the bread mold. And the third example is that of albugo. So it's a parasitic fungus on mustard plant. All right. तो ये हमारा पहली क्लास ऑफ फंजाई के बारे में था. सो रादर वी राइट इट हियर कि फोर चार क्लासेस इन टोटल इनके. एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लास व्हिच इज फाइकोमाइसिटीज. जो नेक्स्ट क्लास है हमारा फंजाई का, वो है एस्कोमाइसिटीज. तो जब हम एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो बेसिकली एस्कोमाइसिटीज को मैं ये बता दूं कि दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई. इनको हम जनरली सैक फंजाई बोलते हैं. और क्यों सैक फंजाई बोलते हैं, मैं इनका रिलेशन यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट. और इनको इनका बेसिकली जो नेचर है वो इस तरीके का है कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर के मल्टीसेलुलर फॉर्म तक वैरी करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर फंजाई में इसमें ईस्ट आता है, विच इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी. इम्पॉर्टेंट ऐसा फंजाई जो कि ब्रेड एंड यू नो ब्रेड मेकिंग में एंड बियर मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑन दी अदर हैंड, जब हम मल्टीसेलुलर फॉर्म्स की बात करते हैं, तो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स इंक्लूड्स पेनिसिलियम, इंक्लूड करता है न्यूरोस्पोरा, क्लाविसेप्स, एस्पर्जिलस. देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एस्कोमाइसिटियन मेंबर. एंड जो थर्ड इनका फीचर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इनका नेचर की जब हम बात करते हैं, तो दे आर सैप्रोफाइट्स. बेसिकली सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं एंड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एस्कोमाइसिटीज के मेम्बर्स जो होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं. एंड दे आर ऑफ पैरासिटिक नेचर ऑल्सो. पैरासिटिक नेचर के होते हैं एंड दे आर कॉप्रोफिलस. ये कॉप्रोफिलस नेचर के होते हैं, विच मीन्स दैट दे ग्रो ऑन काउडंग. ये काउडंग में बेसिकली ग्रो करते हैं. इनका माइसीलियम जब हम देखते हैं, तो इनका माइसीलियम इज यूजली ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड सीनोसिटिक. अनलाइक द माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज विच वॉज ए सेप्टेट एंड सीनोसिटिक, इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड सीनोसिटिक होता है. ऑल राइट, तो हम कुछ फीचर्स इसके लिख लेते हैं. लाइक कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई. तो इनको हम जनरली सैक फंजाई बोलते हैं. तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स ईस्ट से वैरी करते हुए मल्टीसेलुलर फॉर्म्स लाइक पेनिसिलियम तक वैरी कर. सो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करके फीड करते हैं अपने आप को एंड देन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. सो दे आर बेसिकली सैप्रोफाइट्स एक्टिंग एज डिकम्पोजर्स. पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं एज वेल एज coprophilus. That means grows on cow dung. All right, तो ये हो जाएगा. इनका mycelium
इज ब्रांच्ड इन द माइसीलियम, यूजली ब्रांच्ड सेप्टेट एंड सीनोसिटिक होता है जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फाइकोमाइसिटीज में इट वॉज ए सेप्टेट, बट इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज इट इज ब्रांच्ड सेप्टेट एंड सीनोसिटिक, दैट मीन्स हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. एंड कमिंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो बेसिकली थ्रू ए सेक्शुअल स्पोर्स होता है. और इसमें जो एस्कोमाइसिटियन मेम्बर्स में जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होता है दोज आर कुनीडिया. वो कुनीडिया होते हैं दैट आर बॉर्न एक्सोजेनसली ऑन द माइसिलियम, जो माइसिलियम में बाहर की तरफ बनते हैं, एक्सोजेनसली बनते हैं ये. एंड दीज कुनीडिया दे आर बॉर्न एक्सोजेनसली ऑन द माइसिलियम बोल सकते हैं, या तो कुनीडियोफोर में बॉर्न होते हैं. देर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जिसके ऊपर ये बनते हैं, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कुनीडियोफोर्स. एंड दीज कुनीडिया सिंस दे आर ऑफ हेप्लॉइड नेचर, सो दे हैव एन एबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ब्रांचेज ऑफ माइसिलियम या फिर न्यू हाइफी या माइसिलियम ये बना सकते हैं. ऑल राइट, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एंड दैट इज कुनीडिया. Conidia are born exogenously on conidiophores. All right, तो ये बाहर की तरफ conidiophores के structures में ये born होते हैं. Conidia जो कि haploid spores होते हैं germinates to form new mycelium. All right, तो ये new mycelium बना सकते हैं. Sexual spores की जब हम बात करते हैं तो इसमें asexual spores are called ascospores, क्योंकि ये ascomycotina है तो ये ascospores बनाते हैं. ascospores भी haploid nature के होते हैं. ये ascospores जो होते हैं these are born endogenously. एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजेनसली बॉर्न होता है इसमें, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स दोज आर बॉर्न एंडोजेनसली, यानी कि वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में बनते हैं. एंड दोज आर कॉल्ड एस्कस या एस्की. एस्की इज द प्लूरल टर्म एंड एस्कस इज द सिंगुलर टर्म और द सिंगुलर बॉडी टर्म होता है उसका. तो एस्कस के ये अंदर में बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल एस्कस, उसी के अंदर में ये बनते हैं. और ये एस्कस जब एक साथ कंबाइन होता है तो वो कई एस्की बना देता है. एंड दोज एस्कस और एस्की दे आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प. तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एस्कस एस्कोस्पोर्स फाउंड विद इन द एस्कस और एस्की, एंड दीज एस्की दे आर फाउंड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प. सो एस्कस एस्कोस्पोर्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस्कस. और ये एस्कस जो होते हैं दीज आर फाउंड इन फ्रूटिंग बॉडी. सो एस्कस और रादर आई वुड से एस्की, सो ये जो एस्कस और एस्की होते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड विद इन फ्रूटिंग बॉडीज. तो ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज एस्कोकार्प. तो उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं. नाउ जब हम इनके ये तो सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सारे इनके फीचर्स के बारे में हो गया, तो जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज एस्परजिलस. ऑल राइट, दिस इज बेसिकली ये सिट्रिक एसिड, ये बेसिकली इट्स अ बैक्टीरिया एस्परजिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराता है. ऑल राइट, इट्स अ फंगस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन. नाउ द सेकेंड इज दैट ऑफ ईस्ट और सैक्रोमाइसिस. Useful in bread and beer making. Penicillium is the third category, important category. It is one of the most important antibiotic and the first ever antibiotic to be discovered by Alexander Fleming. So first
एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यू नो प्रोवाइडिंग इम्यून सिस्टम और डिफेंसिव सिस्टम इन द बॉडी. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा को वाइडली यूज़ किया जाता है इन जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज़ में बिकॉज दिस न्यूरोस्पोरा इज़ कंसीडर्ड टू बी एज द ड्रोसोफिल ऑफ द प्लांट किंगडम. इसको हम ड्रोसोफिल ऑफ द प्लांट किंगडम कंसीडर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलिटी एंड क्रोमोसोमल यू नो अरेंजमेंट एंड ऑल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज. सो नोन एज Drosophila of the plant kingdom and widely used in genetic and biochemical studies में बहुत important role play करता है. और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि कई सारे ऐसे भी मेंबर्स होते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स विच आर यूज्ड एज डेलिकेसीज जो कि जिसको खाया जाता है और डेलिकेसीज की तरह यूज़ किया जाता है. दोस आर दी एडिबल फंजाई और फंगल मेंबर्स. सो मैनी मेंबर्स तो क्योंकि ये एडिबल होते हैं तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर मोस्टली यूज्ड as delicacies. All right, so this was about the second class of second class of the kingdom fungi which is of Ascomycetes. Next lecture mein we will be dealing about the next two classes or the last two classes of fungi aur uske baad which are Basidiomycetes and Eutromycetes. Hum Basidiomycetes and Eutromycetes ke bare mein janenge, uske bare mein padhenge and iske alawa hum log kingdom plantae ka kuch general features janenge, kingdom animalia ke bare mein kuch general features janenge and we'll be completing or that part. All right, so this was this part, ये जो fungi का part है ये कहीं ना कहीं Ascomycetes में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस portion में हमारा जो sexual life cycle का जो मैंने हम लोगों ने आज जो deal किया इस lecture में about the sexual life cycle process, जो dikaryophase था, जो dikaryon का formation था, वो Ascomycetes के members के sexual life cycle में observed होता है. So this has to be kept in mind because this is very important to be noticed and to be important point to be noted. All right, so that's all for today. In the next lecture we'll be dealing with the rest of the portions or rest of the classes of fungi. Thank you.